नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु जी का स्कूल में। तो कैसे आप सब दोस्तों, हमने SSC के डिफरेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग RTIs लगाई थी, तो उनमें से कुछ RTIs का रिप्लाईज आ गया है। कुछ RTI थी आपकी MTS की जो वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट रीजन्स में, एंड हमने एक RTI लगाई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछे थे CPO का जो फिजिकल टेस्ट है वो कब होगा 2019 का, और आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है, या आपका जो CHS 2018 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके स्किल टेस्ट के साथ होगा या नहीं। तो उनमें से कुछ RTIs के रिप्लाईज आ गए हैं, डिस्पोज्ड ऑफ में हम देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड जो RTIs है वो 20 हैं, पेंडिंग 10 हैं और डिस्पोज ऑफ है 10। तो इनमें से हम देखते हैं कि किस किस के रिप्लाई आए हैं। इनमें से जो मेन रिप्लाई आया आपका एक है वो आपका SSC KR से, KKR से मतलब कर्नाटका केरला रीजन से, जो आपकी वैकेंसीज का नंबर है वो आ गया है। इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं कि KKR रीजन से रिप्लाई आ गया, रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ 9/11/2020, मतलब कि आज ही डिस्पोज हुई है। और कुछ और RTIs के भी आपके रिप्लाईज आए हैं, जैसे आपका ईस्टर्न रीजन है तो उसके रिगार्डिंग आपकी कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब रिप्लाई आया लेकिन वैकेंसी नहीं बताई गई हैं। सेंट्रल रीजन है उसके बारे में भी आपकी वैकेंसी नहीं बताई गई हैं रिप्लाई में। आपके NWR है तो उसके बारे में भी आपकी वैकेंसी नहीं बताई गई हैं। जो आपकी छत्तीसगढ़ रीजन है या आपका NR रीजन है, मतलब MPR रीजन है या आपका NR रीजन है, उसके रिप्लाई आ गए थे और वीडियो में हमने आपको बता दिया था। दोस्तों हमने आपका एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे आप RTI लगा सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और आप अपनी तरफ से भी जो भी आप इन्फॉर्मेशन मंगवाना चाहे, जो भी आप डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहे, उसके बारे में मैंने फुल एक्सप्लेन किया है कि क्या प्रोसेस रहेगा आपका, और 10 रुपये में आप कैसे 10 मिनट में अपने फ़ोन से RTI लगा सकते हो और आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाएगी। कुछ टाइम लगेगा, 2 दिन का, हफ्ते का या महीना भी लग सकता है आपका। चलिए अब देखते हैं जो आपके KKR रीजन में क्या रिप्लाई आया है SSC का और आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो जो मैंने RTI फाइल की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन पूछे थे कि आई एम ए कैंडिडेट ऑफ SSC MTS 2019 अंडर दिस रोल नंबर, मेरा रोल नंबर ये है, आई एम सेलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आई एम अटैचिंग माई पेपर टू एडमिट कार्ड एज अ प्रूफ, मैंने प्रूफ में एडमिट कार्ड अटैच कर दिया था। आई वॉन्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कि कर्नाटका में कितनी वैकेंसीज हैं, केरला में कितनी वैकेंसीज हैं और टोटल KKR रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं। लक्षद्वीप की भी मैंने पूछी थी लेकिन लक्षद्वीप में कोई वैकेंसीज है नहीं। तो जो रिप्लाई आया है वो कहा है इन्होंने कि रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अटैच, इन्फॉर्मेशन अटैच की है। तो जो रिप्लाई डॉक्यूमेंट आया उसको हम देखते हैं। रिप्लाई डॉक्यूमेंट में इनका कहना है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी कर्नाटका रीजन में वो भी इन्होंने दी हैं, केरला रीजन में वो भी इन्होंने दी हैं। चलिए अब देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज कितनी है। यहाँ पे आपकी कर्नाटका रीजन में टोटल वन वैकेंसीज है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी में, प्लांट प्रोटेक्शन में, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स में आपकी वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर 18 से 25 एज ग्रुप में कर्नाटका में है 151 देख सकते हैं, एंड आपकी 96 हैं केरला में अंडर 18 to 25 एज ग्रुप। जो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी वो भी इन्होंने दी है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी है। मैक्सिमम आपकी सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी केरला में, एंड आपकी कर्नाटका में भी आपकी इसी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इन्होंने 18 से 27 एज ग्रुप में भी दी हैं जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं एंड आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज हैं। दोस्तों इस PDF का वो हम अपने नीचे डाउट ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, जो हमारा टेलीग्राम डाउट ग्रुप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको पा सकते हो, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। हम इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में। जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, PDF का स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैं PDF नहीं अपलोड करूँगा उसमें क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप ऐसी ज़रूरी वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ, टाइमली अपडेट आपको मिलते रहें। जो भी वीडियो हम अपलोड करें, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दें वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ जो भी इस इन्फॉर्मेशन को पाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमने SSC MTS की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो सकती है उसके बारे में बताया, वो आपके दिसंबर में हो सकती है, टेंटेटिव डेट आपकी दिसंबर की है। और जो आपके NR रीजन में वैकेंसीज हैं और जो आपकी
दूसरे रीजन में वैकेंसीज हैं वो भी हमने अपडेट किया एमपीआर रीजन में, और जहाँ का रिप्लाई नहीं आया वो भी हमने आपको बता ही दिया है कि वहाँ की रिप्लाई में कुछ अभी बताया नहीं उन्होंने। तो जैसे जैसे आपके आरटीआई के रिप्लाई आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या हमारे टेलीग्राम डॉट ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमसे जुड़ सकते हैं, और इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम यही बताने वाले थे, आज की वीडियो में यही सब है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।